उसके बाद हमारे पास कौन सा है, 12 है द एक्सपेंशन, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा क्या लिख दिए इन्होंने। कैमरे में देख लेता हूँ, कैमरे में ज़्यादा 4 है, एक्स की पावर 5 है। हाँ इन द एक्सपेंशन एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द सम ऑफ द सेकेंड एंड द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं। तो पहली गर्मी लग रही है ऊपर से इनकी फालतू सवालात। क्या लिखा हुआ है, इन द एक्सपेंशन 1 + x^5, ठीक है क्या करना है, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द सम ऑफ द सेकेंड एंड द फोर्थ टर्म इक्वल। अच्छा सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इक्वल हो 1.5 टाइम द थर्ड टर्म, मतलब सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म इक्वल हो 1.5 टाइम ऑफ थर्ड टर्म ना, एंड द थर्ड टर्म। तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है कि किस वैल्यू ऑफ एक्स पे ये वाली कंडीशन वैलिड है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको सेकेंड टर्म निकालनी पड़ेगी। सेकेंड टर्म इसमें कैसे निकालोगे, काफ़ी ईजी है इसके अंदर सेकेंड टर्म निकालना। अच्छा सबसे पहले आपको पास्कल ट्राइंगल आना चाहिए, मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, मे बी आप लोगों को पास्कल ट्राइंगल आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, वो मुझे मिल गया एक छोटा सा पेज। देखो पास्कल ट्राइंगल होता है कोफिशेंट चेक करने के लिए, जैसे आपके पास होता है ना, मैं बना देता हूँ पास्कल ट्राइंगल पहले। देखो सबसे पहले 1 1 आप इस तरह पुट कर दो, फिर 1 + 1 क्या होगा, 2 के बराबर होगा, मतलब आपने इन दोनों को ऐड किया है। देखो सबसे पहले 1 है, इधर भी 1 कॉपी कर लिया, इधर भी 1 कॉपी कर लिया, फिर कॉर्नर पे तो 1 कॉपी कर लिया, दरमियान में इन दो को ऐड करो 2 आएगा, और इधर भी 1 कॉपी कर लिया, फिर 1 + 2 3 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, और फिर 1 आ गया, 1 + 3 4 आएगा, 3 + 3 6 आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। अब जिनको ये नहीं आता तो उनको तो सबसे पहले गूगल करो पास्कल ट्राइंगल होता क्या है। तो इसमें ये जो है ये कोफिशेंट है a + b की 0 1 2 3 4, तो जो a + b की पावर 4 है उसके ये कोफिशेंट है, a + b की पावर 5 के ये कोफिशेंट है, ये सारे कोफिशेंट हैं। तो मैं सवाल को इस तरह करने में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ, बजाय ये कि फॉर्मूला मैं इसमें पुट करके सेकेंड फोर्थ और थर्ड टर्म निकालूं, क्योंकि इजी है ना काफ़ी, 1 + x में मुश्किल नहीं होगी। तो पहली टर्म जो होगी इसकी इस एक्सपेंशन की वो होगी 1, दूसरी टर्म जो होगी प्लस करके वो होगी x, कोफिशेंट क्या होगा 5, तीसरी टर्म जो होगी वो होगी x² क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कम हो ज़्यादा हो 1 ही रहता है वो। एक्स की पावर शुरू में 0 थी, एक्स की पावर 1 हुई, एक्स की पावर स्क्वायर हुई, फिर एक्स की पावर क्यू होगी। अगर दूसरी टर्म के साथ तीसरी टर्म के साथ कोएफिशिएंट क्या है 10 है, चौथी के साथ भी 10 है, अच्छा पांचवी के साथ क्या है 5 है, और छठी तो आपके पास एक्स की पावर 5 होगी। तो मैं इस तरह निकालने को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वरना आप इसके अंदर पुट कर दो आर की वैल्यू 2 और निकाल लो, उस तरह भी आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म क्या है 5x, फोर्थ टर्म क्या है 10x³, 1.5 टाइम थर्ड टर्म क्या है 10x²। अब इसमें आपको बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे यहीं पे कर लेते हैं। इन दोनों में से अगर आप 5 कॉमन लो और आप एक्स कॉमन लो तो इसमें से आएगा 1, इसमें से आएगा 2x², और यहाँ पे क्या है 1.5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 15 15x², ये जाएगा 3 टाइम, एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ 1x बचेगा। तो इक्वेशन यहाँ पे है 1 + 2x² और यहाँ पे हो जाएगी 3x, 2x² 3x को तो लाओ नेगेटिव हो जाएगा +1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो भाई, मसले ही ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा किस तरह कैलकुलेटर सॉल्व, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है -3 1। तो पहली वैल्यू अल्लाह भला करे 1 आ रही है और फिर 1/2 आ रही है, तो 1x की वैल्यू 1 है और 1x की वैल्यू 1/2 है, कौन सा ऑप्शन है भाई, क्या हो गया इनको पागल हो गए। 1/2 2 0 नहीं भाई, सिर्फ 1/2 ठीक वैल्यू है, इस पे नहीं चले जाना ए बी सी, 1/2 1 और 1/2, 1 का ऑप्शन नहीं है तो 1/2 ही ठीक होगी। थर्ड में लिखा हुआ है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन द कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड आर इक्वल। हाँ इक्वल होते हैं ये, अगर आपको याद हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है, अगर मैं सिंपल एक्सपेंशन लिखूँ 1 + x की पावर n, तो इसको एक्सपेंड किस तरह करोगे आप, सबसे पहले 1 लिखोगे,
या आप इसको इस तरह लिख सकते हो एन सी ज़ीरो, फिर आपके पास होगा एन सी वन एक्स, फिर होगा एन सी टू एक्स स्क्वायर, फिर होगा एन सी थ्री एक्स क्यूब और चलता जाएगा। ठीक है, अगर x की जगह मैं 1 पुट कर दूं तो 1 प्लस 1 2, 2 की पावर n क्या हो जाएगा? अच्छा ये मैं कुछ और चीज़ प्रूफ करवा रहा हूँ, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, इधर मैं आ जाता हूँ, कुछ और ही मैं करने लग गया हूँ। अच्छा यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है कि इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन द कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड एंड, कोई भी आपके पास एक्सपेंशन है उसमें कोएफिशिएंट बिगनिंग और एंड के क्या होंगे? देखो लेट से अगर आप कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंड करते हो तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है? एन सी ज़ीरो। दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट होता है एन सी वन। तीसरी का होगा एन सी टू। चौथी का होगा एन सी थ्री। पाँचवीं का होगा एन सी फोर और छठी का होगा एन सी फाइव। इसी तरह बढ़ते जाओगे। ठीक है, लेट कर लो एक एक्सपेंशन है जिसमें एन फाइव है, तो क्या हो जाएगा? फाइव सी ज़ीरो, फाइव सी वन, फाइव सी टू, फाइव सी थ्री, फाइव सी फोर और फाइव सी फाइव। अब सवाल को समझो, इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये से मैंने कोएफिशिएंट निकाले हैं क्योंकि कोएफिशिएंट के जिक्र किए, फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड आर इक्वल। अगर आप बिगनिंग और एंड से देखो तो कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, ये वाला जो है ये इसके बराबर होगा, दोनों की वैल्यू वन ही आती है। अच्छा इसी तरह ये जो है ये इसके इक्वल होगा, दोनों की वैल्यू फाइव आती है। इसी तरह ये इसके इक्वल होगा, मेरे ख्याल में टेन आती है इनकी वैल्यू। ठीक है, तो बिगनिंग और एंड से जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक होगा। 14 मैं कर रहा था, 14 में मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा? एन सी ज़ीरो। इधर x की 1 पुट करूँगा तो सिर्फ एन सी 1 बचेगा। इधर x की 1 पुट करूँगा अगेन एन सी 2 बचेगा, फिर एन सी 3 बचेगा। तो आप ज़रा गौर से देखो, जितने भी कोएफिशिएंट है बाइनोमियल के अंदर उनको अगर आप, ये सीरीज चलती जा रही है, अगर आप ऐड करोगे तो वो किसके बराबर आएंगे? 2 की पावर n के बराबर आएंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट का सम क्या होता है? 2 की पावर n के बराबर होता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं प्रूफ करवाता हूँ आपको। लेट से ये 1 प्लस एक्स था ना, आप इसको कंसीडर करो 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स में एक्सपेंशन क्या होगी? एन सी ज़ीरो माइनस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन सी 3 एक्स क्यूब, पॉजिटिव आगे चलता जाएगा। अगर इधर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँगा, 1 माइनस 1 0, 0 की पावर n 0 ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? x की जगह 1 पुट किया है तो एन सी 1 बच जाएगा, यहाँ पे एन सी 2, यहाँ पे एन सी 3 और ये चलता जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इस वाली टर्म को और इनको ऐड करोगे आपस में तो आप देखोगे ये जो जिनमें आपके पास ये वाली चीज़ जो है ऑड है, ये इसी तरह ये भी ऑड है, तो जितने ऑड है वो कैंसिल हो रहे हैं। ये अगर मैं इसको और इस वाली इक्वेशन को ऐड करूँगा, मैं तब की बात बता रहा हूँ, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? और 0 प्लस 2 की पावर n करो, 2 की पावर n ही बचेगा। बचेगा यहाँ पे एन सी 0, यहाँ पे एन सी 0 है, तो दोनों को ऐड करोगे 2 एन सी 0। इसी तरह यहाँ भी एन सी 2, यहाँ भी एन सी 2, ये हो जाएगा 2 एन सी 2। इसी तरह 2 एन सी 4, इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 कॉमन लोगे तो फिर क्या होगा? 2 कॉमन ले लोगे, 2 की पावर n कॉमन लो, नहीं 2 कॉमन लोगे, n तो उसके साथ है, तो एन सी 0, एन सी 2, एन सी 4 और ये चलता जाएगा। ठीक है, अगर आप गौर से देखो, अगर ये इवन है सारे के सारे, जो इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनको जब आप ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा? ये 2 है ना, मल्टीप्लायर वहाँ जाके डिवाइड कर दो, तो 2 की पावर n से जब 2 डिवाइड होगा, 2 की पावर 1 है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा? 2 की पावर n माइनस 1। तो जितने इवन आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनको आप ऐड करो किसके बराबर आ रहे हैं? 2 की पावर n माइनस 1। तो बताने का मकसद ये है कि जो आपके पास सिंपल बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो हैं, पूरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, उनको ऐड करो, रिजल्ट होता है 2 की पावर n के बराबर। इसी तरह जो इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनको ऐड करो, रिजल्ट क्या होता है? 2 की पावर n माइनस 1। तो बचा क्या? देखो एक है टोटल कोएफिशिएंट का सम 2 की पावर n है, इवन कोएफिशिएंट का सम 2 की पावर n माइनस 1 है। तो ऑड का कैसे निकालोगे भाई? टोटल में से इवन माइनस कर दो तो ऑड का सम आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर भी किसके बराबर होगा? 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। तो रिजल्ट क्या निकला? टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट जितने भी हैं उनका सम 2 की पावर n, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 की पावर n माइनस 1, और इसी तरह ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 की पावर n माइनस 1। अब सॉल्व करो, तो यहाँ पे लिखा हुआ था सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन अगेन 2 की पावर n माइनस 1। इसी तरह द सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका सम भी होगा
टू की पावर एन माइनस वन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद 16 में लिखा हुआ है मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन गिवन है 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक है, और पूछा हुआ है इसकी मिडल टर्म निकालो। देखो सबसे पहले मिडल टर्म में चेक करते थे कि पावर इवन है या ऑड। ये इवन पावर है, n की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। n मैं सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो यहाँ पे पुट करोगे तो 2 को आप किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में आपके पास इवन नंबर ही आता है। 2 को लेट्स से आप 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 को 3 से करो 6, इवन नंबर आता है। तो इसकी पावर इवन है तो इसके अंदर एक ही मिडिल टर्म होगी, ठीक है, और एक मिडिल टर्म हो तो उस हाँ एक ही मिडिल टर्म होगी। उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला होता है n प्लस 2 ओवर 2 टर्म, ठीक। इसमें n क्या है, 2n है, ठीक है। सॉल्व करो, 2 कॉमन लो, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल करो। तो इसका मतलब है इसमें मिडिल टर्म जो है वो n प्लस 1th मिडिल टर्म है, ठीक है। अब आप क्या करो, आपको बेसिकली मिडिल टर्म निकालनी थी ना, जनरल फार्मूला आपको पता है, ए एन की पावर बी आर, ठीक है। अब इसमें आपको एन प्लस वन टर्म निकालनी है, आप आर की जगह क्या पुट कर दो, एन पुट कर दो, तभी आपके पास एन प्लस वन टर्म आएगी। जहाँ जहाँ एन है, जहाँ जहाँ आर है, उसकी जगह आप क्या पुट कर दो, एन पुट कर दो। इसी तरह यहाँ भी आर की जगह मैं एन पुट कर दूंगा, इसी तरह आर की जगह मैं एन पुट कर दूंगा। एन की जगह क्या पुट करोगे, एन यहाँ होता था जो पावर है, यहाँ पे एक्सपेंशन में पावर क्या है, 2n, तो यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या, अच्छा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो ना, 2n cn, एक ही बात है, 2n माइनस n ये होगा an bn, ठीक है। अब सवाल में a यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 की पावर n 1 ही होगा, b यहाँ पे क्या है, x, x की पावर n xn, तो ये आपके पास मिडिल टर्म आ जाएगी, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है, 2n cn xn, 2n cn xn, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद जांच छूटने वाली है, आखिरी क्वेश्चन है n cr प्लस n cr माइनस वन, ये किसके बराबर है। देखो ये एक पास्कल रूल होता है, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, बुक में मेंशन है ये रूल, ये रहा। तो पास्कल रूल क्या होता है, kr प्लस kr माइनस वन, तो ये किसके बराबर होता है, अगर दोनों के मैं मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं ना उसको, बिल्कुल देसी लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ, मतलब किस तरह करोगे आप, अगर दोनों के ऊपर सेम होना चाहिए के के लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या होगा, जब आप इनको ऐड करोगे रिजल्ट में, आप जो भी दोनों चीज़ें सेम है ना उसमें आप वन ऐड कर दो, के प्लस वन हो जाएगा। नीचे इधर आर होगा तो इधर आर माइनस वन होगा, ठीक है, और जब आप इनको ऐड करोगे तो इसमें बड़ा वाला जो है ना वो आप लिखोगे, ठीक है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में पास्कल रूल है, यहाँ पे भी ये चीज़ लिखी हुई है, देखो दोनों ऊपर सेम है, ठीक है, तो रिजल्ट में ऊपर क्या होगा, जो भी सेम है ना उसके अंदर आप वन ऐड कर दो, ठीक है। नीचे आर है, आर माइनस वन, इसमें बड़ा कौन सा है, आर, तो आर लिख दोगे, तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा, एन प्लस वन सी आर, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, एन प्लस वन आर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, एन प्लस वन सी आर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। फाइनली हमारा कोर्स ख़त्म हो गया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, अच्छी तरह पढ़ना, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।